आप सबका आभारी हूं कि आप समय निकाल करके इस ज्यादा समय तो नहीं था लेकिन जितना समय मिला उसका मुझे भी लाभ मिला है और आपका आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तो मैंने टैग हैंडशेक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उस समय भी आप से कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला था। भारत में भी आप से कई भी साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का अवसर मिला है। आज एक साल बाद मैं दुनिया के बड़े बड़े जो इनोवेटर्स हैं उनके बीच अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप सबके बीच आज बैठा हूँ। मैं जो ऊर्जा देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ और भारत के प्रति जो एक भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है। क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात बताते हैं बदलती हुई दुनिया के विषय में और भारत की संभावनाओं के विषय में, तब भारत में भी एक नीति निर्धारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कुछ चीज़ों का सुझाव भी आपने दिया है, मेरी टीम ने सारी चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और जिसका भविष्य भी आपको अनुमानित है और तब आपके सुझाव आते हैं, वो सुझाव बड़े वैल्यूएबल होते हैं। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा लेकिन उस महत्वपूर्ण बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ, उसको बहुत बड़ा प्रस्ताव देता हूँ। एक बात सही है कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा होगा कि जिसको अब टेक्नोलॉजी ड्राइव न करती हो। किसी समय टेक्नोलॉजी का प्रभाव था, अब मैं देखता हूँ टेक्नोलॉजी ड्राइव करने वाली है। लेकिन ऐसे समय में सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी प्लस डेमोक्रेसी, इसका एक संतुलन बहुत जरूरी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेक्नोलॉजी का मिलना मानव कल्याण की गारंटी देता है, एक विश्वास पैदा करता है। एंड टेक्नोलॉजी माइनस डेमोक्रेसी, मैं समझता हूँ किसी भी संकट के लिए एक वातावरण पैदा कर देता है। और भारत एक देश है जो जिसके पास टैलेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मार्केट भी है और ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ बहुत रेयर होती है जो आज भारत के पास उपलब्ध है। और आप में से बहुत एक लोग हैं जिनका भारत के साथ निकटता रही है, आपका अनुभव भी रहा है और आपने ग्लोबल लेवल पे कई जगह पे काम किया है और भारत में भी काम किया है, तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उस कंपैरिजन में भी आप देखेंगे कि आपको प्लस वन की पोजीशन वहाँ नज़र आएगी। और इस अर्थ में मैं इसको बड़ा महत्व मानता हूँ। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट इंक्लूसिव इनोवेशन के लिए हमारे साझा कमिटमेंट का प्रतीक है। आप में से कई साथियों से मैं पहले भी मिला हूं, भारत आपकी ग्रोथ स्टोरी से फैमिलियर है और हम उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और
पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। आज का भारत एम्बिशियस सपने देखता है और उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास भी करता है। आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि आज हम हाईएस्ट ग्रो करने वाले लोग हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तेजी से ग्रो करेगी तो ग्लोबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के भी एक आश्वासन उससे प्राप्त होता है। और जो आज आप देख भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी विकसित भारत की यात्रा का एक अहम स्तंभ है, इसलिए आज हमने भारत में टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं खड़ी की है। भारत की स्केल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी और भारत का परफॉर्मेंस, आप उसमें यूनिकनेस देखते होंगे, आपने अनुभव किया होगा। आज भारत के पास वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट डिजिटल इकोसिस्टम है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम आज भारत में है और विश्व का सबसे बड़ी युवा टैलेंट का पूल भी भारत के पास है। और आपने देखा होगा पिछले 10 साल के मेरे कार्यकाल को, और शायद इसी के कारण हमें फिर से एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मैं मानता हूं कि इन्वेस्टर के लिए और कोई भी साहस करने वाले व्यक्ति के लिए पॉलिसी स्टेबिलिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और आज भारत एक तो पॉलिसी ड्रिवन हमारा गवर्नेंस है, लेकिन साथ साथ स्टेबल पॉलिसी एंड प्रिडिक्टेबल पॉलिसी उसमें हम आग्रही हैं, ताकि कोई भी इन्वेस्टर के लिए या कोई भी वहां काम करना चाहता है उसके लिए एक एश्योरेंस उससे प्राप्त होता है और उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। आज की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशनल हम रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर की कल्पना नहीं कर सकते, वैसे चिप्स के बिना कोई कारोबार चलना मुश्किल है। और हम उस दिशा में इंदौ, ये बात सही है कि जिस गति से दुनिया में एक विषय चला उसमें हम लेट हैं, लेकिन हम एक बार शुरू करते हैं तो हमारी गति भी उतनी तेज होती है। अब जैसे 5G में हम लेट थे, लेकिन आज हम नंबर 1 पर है, तो ये भारत की अपनी एक विशेषता भी है, स्केल भी है, आवश्यकता भी है। तो चिप की और सेमीकंडक्टर के दुनिया में हम जो पॉलिसी लाए हैं उसको बहुत ही स्वागत हो रहा है। करीब करीब सभी इस क्षेत्र के लोग भारत में आने की दिशा में आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए जो बेसिक नीड्स की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं, चाहे पॉलिसी की बात हो, वहाँ पर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रकार सहयोग हो, इन सभी चीज़ों में हम साथ में हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है डिजाइन। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी आपकी सबकी कंपनियां भी है, उनकी रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भारत में है, सबके सब भारत के टैलेंट से आप पूरी तरह परिचित है, भारत के टैलेंट पर आपका पूरा भरोसा भी है।
तो हम डिजाइन इन इंडिया के मूड में भी और आप काफी बल दे रहे हैं ताकि हम दुनिया को कुछ नया देने के लिए सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इन दिनों में काफी इस मात्रा में निवेश कर रहा है। हाल ही हुए हमने एक सेमिकॉन इंडिया समिट की, आप से कुछ साथी उसमें थे भी। भारत के पास ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सप्लाई चेन में एक रिलायबल और क्रेडिबल पार्टनर बनने की पूरी क्षमता है। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार है और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 ईयर्स है और बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ स्टेम की पढ़ाई में काफी रुचि ले रहा है। इवन बेटियां भी स्टेम के एजुकेशन में हमारे यहाँ बेटियां भी लीड कर रही है। और मुझे तो याद है कि एक देश में मैं वहां के एक बहुत बड़े नेता मुझे पूछ रहा था कि क्या आपके यहाँ बच्चियां स्टेम के अंदर रुचि लेती है। जब मैंने उनको आंकड़ा बताया तो उनके लिए सरप्राइज था कि भारत की बेटियां भी उन सारे क्षेत्रों में काफी कुछ कर रही है। यूथ का ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ये मैं मानता हूं कि बहुत ही फोकस रिक्वायर्ड है, क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता ही चला जा रहा है और स्किलिंग में अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं तो शायद हम रुक जाएंगे। तो मेरा बल उस दिशा में भी उतना ही ज़्यादा है और इंडस्ट्री 4.0 के लिए इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स वो हम एडवांस में काम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका अनुभव और आपकी रिक्वायरमेंट उसके आधार पर अगर कोई हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कि भाई ये हमें चाहिए तो हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत तेजी से इसको हम बढ़ा सकते हैं। हमारा लक्ष्य 1-2 सालों में 85,000 टेक्निकल और टेक्नीशियन इंजीनियर्स एंड R&D एक्सपर्ट्स उनका हम निर्माण करना चाहते हैं। उस प्रकार का हम इकोसिस्टम बना करके रिक्वायरमेंट अनुकूल स्किलिंग उस दिशा में हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन में तो 20% हिस्सेदारी भारत की है और अब सरकार ने हर सेक्टर के लिए डिजाइन इन इंडिया की मुहिम शुरू की है और हाल में ही हमने हाई एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए $12 बिलियन का रिसर्च फंड भी बनाया है, क्योंकि हम इनोवेशन पर विशेष बल देना चाहते हैं। भारत में मजबूत IPR फ्रेमवर्क जो आपने उल्लेख किया IPR के संबंध में और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को संरक्षित करने की दिशा में भी हमारा उतना ही बल है। हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है, अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमेंटेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं
जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारत एआई स्ट्रेटजी बनाने वाले सबसे पहले देशों में से एक है। और मैं तो जब पिछली बार यहाँ आया था तो व्हाइट हाउस में हमारी एक छोटी सी टेक्निकल ग्रुप की मीटिंग थी, उसमें सुंदर भी थे, और उस दिन मैंने कहा था कि मेरे लिए एआई का मतलब है अमेरिका इन इंडिया। तो हम उस ताकत को और बढ़ाना चाहते हैं और भारत ने जो टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में जो काम किया है वो हर प्रकार के डिवाइड को खत्म करने वाला एक बहुत ही सफल प्रयोग है, ऐसा हम अनुभव कर रहे हैं। भारत एआई के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल उपयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम G20 समिट में बैठे थे, उसमें भी एथिकल यूज ये एक सबसे बड़ा एजेंडा विषय था हमारा, और उसमें मैंने एक सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से एविएशन किसी एक देश या एक राज्य के नियमों से नहीं चलता है, पूरा एविएशन सेक्टर ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है। दुनिया का छोटा देश होगा तो भी उसने अमेरिका के स्टैंडर्ड से ही एविएशन चलाना पड़ेगा, और अमेरिका कितना ही बड़ा देश कहने को अपनी मनमर्जी से नहीं चलेगा, उसको भी छोटे देश की पद्धतियां हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एविएशन सेक्टर ग्लोबल गवर्नेंस बन चुका है, वैसा ही डिजिटल हमें ग्लोबल गवर्नेंस का मॉडल ही खड़ा करना पड़ेगा। किसी एक देश का गवर्नेंस रूल्स एंड रेगुलेशन डिजिटल वर्ल्ड के लिए चलने वाला नहीं है, और हमारे सामने मॉडल है, एविएशन सेक्टर एक सक्सेसफुल मॉडल है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मैं G20 में इस विषय को मैंने बहुत आग्रह से रखा है, आगे भी मेरा ये प्रयास है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जिस प्रकार से डीप फेक के कारण लोग आज परेशान है, तो उसके सामने भी मैंने कहा है कि क्यों न हम जब तक कि समाज तैयार नहीं होता है तब तक एक वाटरमार्क, हर इस प्रकार की चीज़ों पर वाटरमार्क आना चाहिए कि एआई जनरेटेड है, तो एक व्यक्ति को लगेगा भाई इस पर मैं भरोसा करूं या ना करूं। और मैं मानता हूं कि आप जैसे जो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, मानव जाति की बड़ी सेवा होगी ये, ठीक है एक स्टेज आने के बाद शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो आज हम उस स्टेज पर हैं, हमें जरूरत पड़ेगी। तो वाटरमार्क के साथ एआई जनरेटेड वाटरमार्क, ये कोई भी प्रोडक्ट आएगा अगर एआई टच है तो ऊपर आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा कि एआई जनरेटेड है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन काम नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी विल गिव अ सॉल्यूशन। और इसलिए मैं समझता हूँ उस दिशा में भी अगर इतने सारे ब्रेन्स यहाँ आए हैं तो आप जरूर कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है, और जैसा आप सब साथियों ने कहा, भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। भारत में बड़ी संख्या में साइंटिफिक टैलेंट पूल तो है ही है, भारत का बड़ा और डाइवर्स जीन पूल भी है। भारत की विशालता और विविधता, ये मैं समझता हूँ कि वहाँ एक बार कोई चीज पायोनियर रही है और उसमें प्रयोग हुए हैं तो वो दुनिया में कहीं पर भी वो लागू हो सकते हैं, इतनी विशालता और विविधता वहाँ भरी पड़ी है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है और एफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर्ड क्वालिटी भी है। बायो सिक्योर एक्ट जो कैपेसिटी गैप क्रिएट का होगा, भारत उसे ट्रस्टेड और एफिशिएंट तरीके से पूरा कर सकता है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं, आपके साथ ध्यान में आया होगा पिछले सप्ताह ही मैंने मेरी कैबिनेट में
बायो E3 की पॉलिसी हम लेके आए हैं और एक बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की हम संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूं, जिसके कारण आप कल्पना कर सकते हैं ग्रास लेवल पर कितने बड़े काम की संभावना इस बायो के सेक्टर में भी होने की संभावना मैं देखता हूं। हमारा लक्ष्य है कि हेल्थ सिक्योरिटी और ग्लोबल चैलेंज के सॉल्यूशन देने में भारत लीडरशिप के रोल में हो, और जिसमें आप सबका सहयोग बहुत बड़ी हमें ताकत दे सकता है। भारत प्रो प्लैनेट पीपल के अप्रोच को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इनोवेट कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करने के लिए हम एक साथ कई स्तर पर काम कर रहे हैं, और इसलिए आपके लिए मैन्युफैक्चर में भी अद्भुत संभावना है। फ्रेंड्स, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में आप सभी को मैं एक सहयात्री के रूप में, एक सहभागीदारी के रूप में हमेशा मानता हूं, देखता हूं, और उस प्रकार से हमारी यात्रा भी रही है, आप सबका अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की टेक कंपनी मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान से मैं अहम रोल निभाएगी। मेरी टीम आपके जो सुझाव मिले हैं उसको भी, और आपने जो एक विश्वास व्यक्त किया उसको भी, हम उसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए आवश्यकता के अनुसार उसको हम फॉलोअप भी करेंगे। मेरे द्वार तो हमेशा खुले रहते हैं, मैं हमेशा एक विद्यार्थी की तरह आप सबसे कुछ सुनता हूँ, सीखता भी हूँ, और गवर्नेंस में उसको लाने का प्रयास भी करता हूँ, ताकि मेरा देश भी उतना ही तेजी से आगे बढ़े। लेकिन मैं फिर से एक बार आप सब समय निकाल करके आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आप चिंता किए और इस काम को आगे बढ़ाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।